कातंत्र रूपमाला का स्वाध्याय हम और आप कर रहे हैं। पंच हम और आप विसर्ग संधि को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। विसर्ग संधि के अंतर्गत कल हमारे सामने पूर्व हमारे बीच विसर्ग को हमने सकार आदेश किया था। चा और चा के आने पर विसर्जनीय चे चे वासम किया था, फिर टे टे वासम किया था, फिर ते थे वासम किया था। यानी विसर्ग के सामने चा हो, विसर्ग के सामने छा हो तो विसर्ग को तालब्य सकार हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था विसर्ग के सामने यदि टा हो तो विसर्ग को मूर्धन्य सकार हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि विसर्ग के सामने ता और था हो तो विसर्ग को दंत सकार हो जाता है। अब इतना हम लोगों ने जाना था, सीखा था। आज उसी के विकल्प में यहां पर बताया जा रहा है। सर्वप्रथम हम 100 नंबर सूत्र के नीचे जो लिखा हुआ है उसकी तरफ दृष्टि डालें, क्योंकि जब भी हम अगला सूत्र पढ़ेंगे तो उसकी पूर्व भूमिका हमें पूर्व सूत्र के पहले मिलेगी। तो यहां पर 100 नंबर सूत्र के बाद में हमारी जो स्थितियां हैं वो हमारे सामने हैं। जैसे कि बहुत सारा लंबा चौड़ा वाक्य लिखा हुआ है तो हम पूरा ना लिखें, हम केवल अपने काम का चीज लिख सकते हैं, कहा धन चसा, इतना लिख सकते हैं। पूरा लिखना चाहेंगे तो पूरा भी हो जाएगा, का चसा वित्या चष्टी, लेकिन इतने की जगह शॉर्टकट के में रास्ता पकड़ सकते हैं, कहा धन चिसा, आधा चा और सा, इतना उतार के अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। दूसरे नंबर का वाक्य कहा धन टिशा, आधा टा और सा, इसको उतार कर रख लीजिए। और तीसरा प्रयोग है पुरुषा धन तेस रुका, चौथा प्रयोग है यथा धन क्षमा, पांचवा प्रयोग है तथा धन पिसाती, जे पिसा अदादिगण की धातु है, भक्षणे खाने, पिसाती पिसाता पिशांति, ये रूप बनते हैं। तो यहां पर पांच प्रयोग हमारे सामने हैं और पांचों प्रयोग आपके सामने है, तो आप क्या कीजिए कि पहले लिखिए का धन चिसा, का धन तिसा, पुरुषा धन तिसरु कहा, यता धन क्षमा और तता धन पिसाती। इन शब्दों को आपने लिख लिया है। अब लिखने के बाद में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले अनतिक्रम्यन करके ये करना है कि का के सामने विसर्ग, विसर्ग के बाद में चा, फिर उसके बाद में शा, इतना अनतिक्रम करना है। चा चा के बाद में सा लिखना है। तब यहां पर ये देखिए कि पूर्व पद में विसर्ग है। अब पूर्व पद में विसर्ग किसके किसके बाद में है ये कोई बात नहीं है, लेकिन विसर्ग के सामने क्या है, तो विसर्ग के सामने चा है, और चा के बाद क्या है, तो तालब्य सकार है। फिर दूसरा प्रयोग देखना है कि विसर्ग के सामने टा है और टा के बाद में मूर्धन्य सकार है। फिर तीसरा प्रयोग देखना है पुरुष विसर्ग है और विसर्ग के सामने ता है और ता के सामने दंत सकार है। फिर यता के बाद क्षमा है, तो क्षमा में दो अक्षर हैं, एक का और एक मूर्धन्य सकार, तो उसको भी अलग अलग करके लिखेंगे, यता का धन सा, फिर उसके बाद में आगे की व्यवस्था, और तथा धन प्रशाति पा, और उसके बाद में सा लिखा हुआ है।
अब थोड़ा सा विचार करेंगे हम पूर्व भूमिका के अनुसार कि यहां पर हमको विसर्जनीय चे छे वासम पहले प्रयोग में विसर्ग के सामने चा है इसलिए विसर्ग का सा होना चाहिए था तालब्य सा। दूसरे प्रयोग में कहा धन टिशा लिखा हुआ है तो यहाँ पर टे ठे वाशम लगना चाहिए था। फिर तीसरा प्रयोग है पुरुषा धन तिसरु कहा तो यहाँ पर टे ठे वाशम लगना चाहिए था। इन सभी सूत्रों की प्राप्ति थी और यता के सामने क्षमा है तो यहाँ वह जीवामूली की प्राप्ति थी। कल के पेपर में आता जिह्वामूली की प्राप्ति थी और यहाँ पर पिशाती में उपदमानीय की प्राप्ति थी। ध्यान रखना जो पांच सूत्र हमने क्रम से जो सीखे हैं पढ़े हैं उन्हीं का एक एक प्रयोग एक एक दृष्टांत हमारे सामने रखा हुआ है। तो यहाँ पर पांचों सूत्र जो हमारे आए थे विसर्जनीय चे छे वासम टे ठे वासम ते थे वासम और जीवामूली और पद्मानी इन पांचों सूत्रों की प्राप्ति थी। अब हमको देखना क्या है कि यहाँ पर जो पहला अक्षर जो था चा छा आदि जो है उसके सामने सासा है माने एक सब जगह सा मिलेंगे आपको पांचों प्रयोगों में। तो पांचों प्रयोगों में सा मिलने पर सूत्र आता है ना साधीन सस सस्थे ना साधीन सस सस्थे। ध्यान रखिए ये संधि सबसे खतरनाक है और इसका प्रयोग बिरले लोगों को ही आता है। अभी तक हमने ये सिद्धि इस प्रसंग पर किसी भी छात्र को किसी भी जिज्ञासु को नहीं पढ़ाई है लेकिन आप वो भी पढ़ लेंगे और आप भी समझ लेंगे। तो सूत्र कह रहा है ना साधीन सस सस्ते चा छा ता ठा ता था का खा पा फा इनके बाद यदि सकार है सा 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 इस्ते जो तीनों वर्ग के पहले दूसरे अक्षर हैं ये दोनों के बाद में माने वर्ग के पहले दूसरे अक्षर के बाद यदि तालब सा है या मूर्धन्य सा है या दंत सा है ये दोनों तीनों सा के होने पर जो विसर्जनीय छे छे वासम आदि सूत्र का प्रयोग होना था वह नहीं लगेगा। ना साधीन सस सस्ते सा आदि आदेश नहीं होता है। सा आदि आदेश का मतलब है कि एक जगह तालब सा होता एक जगह मूर्धन्य सा होता एक जगह दंत सा होता एक जगह जीवामूली होता एक दफे उपदमानिया होता। तो ये आदेश होते उस बात का निषेध करने के लिए ये सूत्र है ना साधीन सस सस्ते। अब यहाँ पर इस सूत्र ने निषेध किया है तो जो शब्द लिखे हुए तो वो यहाँ पर द्वारा लिखे जाना चाहिए थे तो यहाँ पर लिखे हुए तो जैसे हैं वैसे ही लिखे उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि विसर्ग के स्थान पर सा होना था। विसर्जनीय चे छे वासम टे ठे वासम ते थे वासम से विसर्ग के स्थान पर सा आदि आदेश होना थे परंतु चा और छा के आदि के बाद में सा सकार आदि होने पर पांचों जगह सकार है तो सकार आदि के होने पर ना साधीन सस सस्ते जो सार सा सा आदेश होना था वे नहीं होगा। जब नहीं होगा तो जो शब्द जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो वैसा का वैसे रहेगा तो क्या कहेंगे कहा चिसा वित्या चष्टे कहा चिसा वित्या चष्टे पुरुषा तिस रुका यता क्षमा तथा पिशाती माने जो काम का निषेध कर दिया है तो जो शब्द जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा ऐसा जानना चाहिए।
अब विशेष संधि और आपके बीच में आ रही है। अब देखिए यहां पर चा पहले था, सा बाद में था, टा पहले था, सा बाद में था, ता पहले था, सा बाद में था, और का पहले था, सा बाद में था, पा पहले था, सा बाद में था। अब इसको उल्टा कर देते हैं, पहले सा फिर चा, पहले सा फिर टा, पहले सा फिर ता, पहले सा फिर का। तो उसके लिए अगली स्थिति हमारे बीच में आ रही है, जिनको आप लिखेंगे का स्योत्यति। ये जो आपको दिख रहा है उसको लिखने की अपनी कॉपी पर लिखिए, का स्योत्यति, का स्योत्यति अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। और सबसे मेहनत करवाने वाली ये संधि हमारे बीच में है, इसकी प्रक्रिया और पद्धति को आपने समझ लिया तो पूरी व्याकरण की पंच संधि आपके समझ में आ जाएगी, आप समझने में समर्थ हैं। तो का स्योतति लिख लीजिए। दूसरा प्रयोग लिखा है का स्टीवती और का स्तौती। देखो ध्यान से देखते जाना, यहां पर स्टीवती में दीर्घ हो गया है, दीर्घ होता है स्टिव धातु थी, स्टिव स्टिव धातु थी, नामिनस अनिच विकरणे से उपदा को गुण होना था, भवादि गण की धातु है, लेकिन गुण ना होकर दीर्घ हो गया है। स्तौती इसमें उ है, स्तु धातु है, इसमें वृद्धि हो गई है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो कहा धन स्त्योतति और कहा धन इष्टिवती और कहा धन स्तौती, ये प्रयोग हमारे सामने बैठे हुए हैं। अब इन प्रयोगों के होने पर हमें क्या करना है, उल्टा हो गया है, जो चा था वो बाद में पहुंच गया है, जो सा था वो भी बाद में पहुंच, टा था वो भी बाद में पहुंच गया है, और जो ता था वो भी बाद में पहुंच गया है, यानी पहले तीनों सा हैं और उसके बाद में जो वर्ग का पहला दूसरा अक्षर है वही है, जिनको अघोष कहते हैं, अघोष, उनको अघोष कहते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिए कि विसर्ग है। अब आप कॉपी पर लिखिए, सबसे पहले का एक प्रयोग करेंगे तो बाकी सब समझ में आ जाएंगे। कहा धन स्योतति लिखा हुआ है, अब आप देखिए विसर्ग का, विसर्ग है, विसर्ग के सामने तालब्य सा है और तालब्य सा के बाद में चा माने अघोष है। अब सूत्र क्या कहता है, देखिए अघोषस्तेषु सस्येषु वा लोपम। सूत्र को बड़े ध्यान से देखिए, अघोषस्तेषु अघोषस्तेषु सस्येषु वा लोपम, 102 नंबर का सूत्र, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आपको स्पष्ट दिखेगा। अघोषस्तेषु सस्येषु वा लोपम, अघोष में स्थित सा 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 हो, यानी कि उनके बाद में अघोष हो और उसके पहले माने विसर्ग के सामने सीधे सा सा सा, ये तीनों सा में से कोई सा हो और ये तीनों सा किस में स्थित हो, कहते हैं अघोष। अघोष माने वर्ग का पहला दूसरा अक्षर उसमें स्थित हो, तो उसमें स्थित होने के बाद उस विसर्ग का लोपम हुआ, लोप हो जाता है विकल्प से, विकल्प से लोप हो जाता है। अब विकल्प से लोप हो जाएगा तो आप विसर्ग का लोप कर देंगे तो बनेगा का स्योत्यति, दूसरा रूप बनेगा का स्टीवति, फिर का स्तौति, ये पहला प्रयोग आपका बन गया। आप पहला प्रयोग बनने के बाद ये सूत्र में विकल्प से आता है, अघोषस्तेषु सस्येषु वा लोपम, ये सूत्र विकल्प से लगता है। और जब ये सूत्र नहीं लगेगा तब हम क्या करेंगे,
तो अगला सूत्र जो 103 नंबर का है वह हमारे बीच में आ रहा है। वह कहता है से 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 वा वा पर रूपम। अगला सूत्र हमारे पास में आ जाता है से 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 वा वा पर रूपम। ये कहता है विसर्ग के सामने तालब सकार हो, ये कहता है विसर्ग के सामने मूर्धन्य सकार हो, यह कहता है विसर्ग के सामने दंत सकार हो। तो विसर्ग के सामने तीनों सा में से कोई भी सकार होने पर विसर्ग को विकल्प से, दो बार वावा लिखा हुआ है, एक बार विकल्प के लिए है और एक बार अथवा के लिए है, एक वा विकल्प के लिए और एक वा अथवा के लिए है। दोनों चीजों को ध्यान रखना है, एक अथवा के लिए है और एक विकल्प के लिए है। विकल्प का मतलब है सा हो अथवा सा हो अथवा सा हो, माने तीनों सा में से कोई एक सा हो तो विसर्ग के सामने जो सा होगा उसको पर रूपम, माने सामने वाले को सा देखकर, सामने जो सा होगा उसको देखकर विसर्ग वही सा रूप में हो जाएगा। अब बा का मतलब है फिर विकल्प, होगा भी नहीं भी होगा, तो यहां पर जब विसर्ग को सा हो जाएगा तो फिर क्या बनेगा, तो तीसरा प्रयोग उसी में वहीं पर अपन चलते हैं, तो तीसरा प्रयोग बन जाएगा कस इच्छोतति। कस इच्छोतति पीछे ही चलते हैं हम सूत्र के नीचे 102 नंबर सूत्र के नीचे, तो देखिए क्या क्या बनता है, यही लिखा हुआ है कस इच्छोतति। सूत्र आगे लगा है, प्रयोग यहाँ करके दिखा दिया है, कस इच्छोतति ये सा के स्थान पर सा किया है। पहला वाला प्रयोग दिखाया है जहां विसर्ग का लोप हो गया है, कस का इच्छोतति। अब यहाँ पर पहले वाले प्रयोग में एक गलती ये है कि चुपका हुआ है, का अलग होना चाहिए और इच्छोतति अलग होना चाहिए क्योंकि विसर्ग का लोप हो गया है। तो पहला प्रयोग बनेगा का इच्छोतति, दूसरा रूप बनेगा कस इच्छोतति और तीसरा प्रयोग रहेगा जहां विसर्ग को विसर्ग ही रहेगा, तो तीसरा प्रयोग बना हुआ है का इच्छोतति। आपके बीच में बीच वाला हाईलाइट कर दिया है, तो बीच वाला जो हाईलाइट किया गया है उसमें 103 नंबर का सूत्र लगा हुआ है और 103 नंबर का सूत्र लगा है तो ये बीच वाला प्रयोग सिद्ध होगा, और 102 नंबर का सूत्र लगेगा तो का इच्छोतति ये देखिए बिना विसर्ग के ये वाला सिद्ध होगा। और जब दोनों ही सूत्र नहीं लगेंगे क्योंकि दोनों सूत्र विकल्प से लगते हैं, और जब दोनों ही सूत्र नहीं लगेंगे तो तीसरा प्रयोग बैठा हुआ है कहा इच्छोतति। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा प्रयोग बनाना है, विसर्ग का लोप करना है तो का इच्छोतति, विसर्ग के स्थान पर सा करना है तो कस इच्छोतति, और विसर्ग को विसर्ग ही रखना है तो कह इच्छोतति। दूसरा प्रयोग है कस, ये भी चुपका हुआ है जो अलग अलग होना चाहिए, का इष्टिवति। अगर सा आदेश कर देंगे तो कस इष्टिवति, और जब कुछ भी नहीं करेंगे तो बनेगा कह इष्टिवति, कह इष्टिवति। थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी। नामी से परे, का से परे, रा से परे, दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार होता है, बीच में नू और विसर्जनीय का व्यवधान होने पर भी काम हो जाता है। तो यहाँ पर का है, का के सामने विसर्ग का व्यवधान है, यद्यपि ये सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि का में आ भी है, गलत हो गया। तो इष्टिवती में जो दंत सकार आदेश हो जाता था धात्वादेश सा सा से,
उसको वापस वैसा का वैसा ही रखा है, यानी कि धातुवादेश सासह इष्टिवती में नहीं लगाया है। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है जो उत्तरार्ध पढ़ते हैं। वहां पर नी उपसर्ग लगाकर अपन ने नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता शीशम नु विसर्जनी लगाया था, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि इष्टिव धातु में धातुवादेश सासह सूत्र लगना ही नहीं है, वो अपवाद रूप में आ गई है, नहीं तो यहाँ पर इष्टिवती नहीं रह सकता था। अब यहाँ पर इष्टिवती रखा हुआ है तो मूर्धन्य करने के लिए कोई व्यवस्था है, कोई सुविधा नहीं है, इसलिए इष्टिव धातु को धातुवादेश सासह नहीं लगाना। तो यहाँ पर कस तीनों प्रयोग बन जाएंगे, का इष्टिवती और का इष्टिवती, ऐसे कस का स्तौती विसर्ग का लोप हो जाएगा तो का स्तौती, और विसर्ग का लोप नहीं सा हो जाएगा तो कस स्तौतती, और जब कुछ नहीं होगा तो तीसरा प्रयोग बन जाएगा का दन स्तौती स्तौती। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। अब अगला प्रयोग हमारे सामने लिखा है का धन सेते, ये दोनों बड़े खतरनाक सूत्र थे, इनके अर्थ की गहराई को यदि आप अच्छे से समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक सूत्र दोनों हैं, उधर 56 नंबर का सूत्र जो आया था वो थोड़ा आगे पीछे वाला सूत्र था, तो इन तीनों सूत्रों को जो अच्छे से समझ लेता है, और चमसे सूत्र के बाद जो दो श्लोक आए थे जहां पर लिखा हुआ था कि इसके चमसे सूत्र वेदर व्यर्थ कहा गया, व्यर्थ मेदम चमसे सूत्र तस्योत्तर पदम ब्रूही यदि वेदसी कलापकम मूढ़धीश त्वम न जानासी छत्वम किल विवासयः अच्छत्व पक्षे वचनम चमसे नूनम व्यवस्थितम। इन श्लोकों में जो बात कही है उसकी भाषा को अगर कोई अच्छे से समझ लेता है तो उसको पंच संधि पूरी समझने में दिक्कत नहीं है। अब हमारी अगली स्थिति है काह धन सेते, अगली तो नहीं है, का है विसर्ग, विसर्ग के सामने सीधे सा है, काह धन संडा विसर्ग के सामने सा है, काह धन साधु विसर्ग के सामने सा है। अब यहाँ पर सा है तो अगला जो 103 नंबर का सूत्र है, क्योंकि इनमें अघोष स्थित नहीं है इसलिए अकेला है सा, तो इसलिए ऊपर वाले सूत्र तो लगेंगे नहीं, अघोषस्तेषु सस्येषु वा लोपम लगेगा नहीं, तो अगला जो सूत्र 103 नंबर का है का धन सेते, ये आप अपनी कॉपी पर तल लीजिए, का धन सेते का धन संडा का धन साधु। अब यहाँ पर क्या करें, विसर्ग के सामने दंत सा है, तालब्य सा है और मूर्धन्य सकार है, तो मूर्धन्य सकार होने पर जो 103 नंबर का सूत्र हमने पढ़ लिया वो यहाँ पर लगेगा से वा पर रूपम, अर्थात विसर्ग के स्थान पर सामने सा हो तो सा होता भी है और नहीं होता, होता भी है और नहीं होता, होएगा तो कस सेते कस संडा कस साधु, ये प्रयोग सिद्ध होता है, और यदि नहीं होगा तो कह सेते कह संडा कह साधु। इस प्रकार से हमने विसर्ग संधि का प्रसंग पूरा कर लिया है। विसर्ग संधि के बाद अब स्यादि संधि आएगी, यानी विसर्ग को जो सा आदि आदेश होते थे वो अब यहाँ पर होने के बाद में अब श्यादि संधि आएगी, अब उसके माध्यम से विसर्ग को कोई ऊ करेंगे और अन्य लोप करेंगे इत्यादि, अब जो प्रसंग आएगा उसका नाम है पांचवी संधि का नाम है स्यादि संधि। स्यादि संधि का मतलब है सी आदि, सी विभक्ति आएगी, सी सबसे पहले सी, सी का विसर्ग और विसर्ग के बाद में आगे का काम, तो ये पांचवी संधि अब आपके बीच में आएगी और उसमें भी कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी,
तो इस प्रकार से उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो आज जिन दो सूत्रों के बारे में आपने जाना है, तो एक सूत्र तो ये था कि जो विसर्जनीय छे छे वासम टे टे वासम ते ते वासम जीवा मूल्य और पद्मानीय पढ़े थे, वो सूत्र कब नहीं लगेंगे, जब उनके बाद में सा 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 हूं। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उल्टा कर दिया गया, पहले सा 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 लिखे उसके बाद में अघोष लिखा। ऐसी स्थिति के होने पर क्या होगा, कहते हैं विसर्ग का लोप भी हो जाएगा, विसर्ग का 103 नंबर के सूत्र से सा भी हो जाएगा, और दोनों सूत्र विकल्प रूप में हैं, इसलिए कुछ भी नहीं होगा, तो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये हमारी विसर्जनीय संधि पूर्णता को प्राप्त आज हुई है। कल स्यादि संधि का प्रसंग हमारे बीच में चलेगा, तो ये ना सादीन सस सस्ते और अगौ सस्ते सु सस से सु वा लोपम, इन सूत्रों का ध्यान रखना, इनकी अर्थ की गहराई को बहुत अच्छे से समझना। 101 नंबर का सूत्र कहता है कि 95 नंबर का सूत्र, 96 नंबर का सूत्र, 97 नंबर का सूत्र, 98 नंबर का सूत्र और 100 नंबर का सूत्र से जो सा 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 और उपद्मानी और जीवा मूल्य आदेश होना थे, वो ना सादीन सस सस्ते सूत्र से निषेध हो जाएगा, और जो 102 नंबर का सूत्र है अगु सस्ते सु सस से सु वालोपम, ये कहता है कि तीनों सा के बाद में अगोस हूं, और तो ऐसे पहले विसर्ग जो है उस विसर्ग का लोप हो जाता है। शेष चर्चा अगले सत्र में, तब तक के लिए वंदना, जय जिनेन्द्र, सबका अभिवादन।